हेलो दोस्तों, आज है 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं, अपडेट, जानकारियां आई है। काम की बड़ी खबरें देखने वाले हैं, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा ने केंद्रीय बजट 2024-25 को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा विधेयक भी सदन से पारित हो गया। लोकसभा ने मंगलवार को केंद्र सरकार के 2024-25 के लिए 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट को मंजूरी दे दी है। 48.21 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट को भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का धरना खत्म हुआ। दिल्ली समेत 19 राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया ब्लॉक ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना समेत देश के 19 राज्यों में धरना प्रदर्शन हुए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है और बीजेपी में संगठन मंत्रियों की कमी दूर करेगा आरएसएस। केरल समन्वय बैठक में मुहर लगेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी के साल में 2 बार यानी हर 6 महीने पर समन्वय बैठक होती है और इस बैठक में संघ और पार्टी के बीच तालमेल बिठाने के लिए चर्चा होती है। इसके साथ साथ इसी बैठक में संगठन मंत्रियों पर भी मुहर लगती है। और राजधानी दिल्ली में कोचिंग से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत को लेकर लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर मुखर्जी नगर में भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र धरने पर बैठ गए। यहां पर भी देर शाम छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद रात भर कुछ छात्र धरने पर बैठे रहे। मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस के कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दृष्टि का बेसमेंट सील होने के बाद कोचिंग हादसे पर विकास दिव्य कीर्ति ने पहली बार बोला है, सिस्टम पर सवाल भी उठाए हैं। घटना के 3 दिन बाद विकास दिव्य कीर्ति के हादसे पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए, साथ ही सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। मशहूर शिक्षक और दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग भी बंद कर दी गई है। घटना के कुछ दिनों बाद अब विकास दिव्य कीर्ति की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। वहीं दृष्टि आईएएस की तरफ से जारी इस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि राजेंद्र नगर में हुई त्रासद घटना पर हम अपना पक्ष देरी से रख रहे हैं, इसलिए हमें खेद है। दिव्य कीर्ति ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर हम कुछ कहें, इस देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं। वहीं इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वह पूरी तरह से न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा अगर इस रोष को सही दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर भूख हड़ताल, 5 करोड़ मुआवजा समेत कई सारी डिमांड चल रही है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने कहा कि उनकी मांगे पूरी होने तक ये जारी रहेगा। और बड़ी खबर आ रही है, सरकार बनी तो झूठे मुकदमों में फंसाने वाली संस्थाओं को करेंगे खत्म, जंतर मंतर पर इंडिया की रैली में बोले अखिलेश यादव। साथ ही खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ बैठक की है। दिल्ली में हुई इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही थी। साथ ही खबरें ये भी है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच चल रही गुटबाजी को देखते हुए सभी नेताओं से मिलकर काम करने का आग्रह किया गया है और समन्वय से सरकार चलाने को कहा है। और वायनाड में कुदरत की विनाश लीला देखने को मिली है। केरल के वायनाड जिले में कुदरत की विनाश लीला से आज पूरा देश दुखी है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब इस खबर की जानकारी हम जुटा रहे थे तब तक कई मीडिया रिपोर्ट्स में 126 लोगों की जाने चली गई, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 130 लोगों की जाने चली गई, ऐसी खबरें भी चल रही थी। 220 लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि संख्या में परिवर्तन हो सकता है, बड़ी संख्या में लोगों को एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान मलबे से निकाल रहे थे और कई लोगों को निकाला जा चुका है। वायनाड में मौसम खराब है, भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट भी है, रेस्क्यू टीमों को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहीं केरल सरकार ने इस हादसे और त्रासदी के बाद 2 दिन के शोक की घोषणा कर दी है। पीड़ित परिवार मलबे में दबे अपनों को तलाश रहे हैं। जिस जगह पर यह भूस्खलन हुआ वह उच्च जोखिम वाले आपदा क्षेत्र में आता है और वहाँ लोग नहीं रहते हैं। वहाँ से मिट्टी, पत्थर और चट्टाने लुढ़क कर चूरलमाला पर आ गई, जो भूस्खलन की शुरुआत वाले स्थान से 6 किलोमीटर दूर है और इस हादसे में बड़ी जनहानि हुई है। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कुदरत की ऐसी विनाश लीला शायद पहले किसी ने नहीं देखी होगी। चारों तरफ सैलाब का कब्जा दिख रहा है। भूस्खलन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मलबा अभी भी लोगों के शव उगल रहा है, कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार बारिश की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वायनाड दौरा रद्द कर दिया। वे यहाँ के पीड़ितों से मिलने के लिए जाने वाले थे। मौसम विभाग ने केरल राज्य के
8 जिलों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और इसी वजह से यहां के सभी स्कूल बंद रहेंगे। केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही को लेकर पीएम मोदी ने मदद का भरोसा दिया। सीएम विजयन से बातचीत की, मुआवजे का भी ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान हुआ। तड़पते लोग, तबाह आसियाने और एक उम्मीद। वायनाड में आए इस भूस्खलन के बाद कई लोगों ने अपनों को खो दिया। सैकड़ों घरों में मातम पसरा हुआ। केरल में भूस्खलन से कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। और बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार को रिलैक्स देने के मूड में नहीं दिख रहे राहुल गांधी, नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी खास रणनीति को धार देने के लिए जल्द ही विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने वाले हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को लेकर नई रणनीति के साथ सियासी मैदान में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। और निर्मला सीतारमण ने कहा कि मंत्री के हलवा बांटने की परंपरा यूपीए लाई, तब किसी ने नहीं पूछा अफसरों में कितने SC ST OBC। वित्त मंत्री ने बजट पर जवाब दिया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में 29 जुलाई को बजट के पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी पर सवाल उठाए थे। बड़ी खबर आ रही है, 75 साल के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत शुरू हुई है। चीफ जस्टिस ने भी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंचें शुक्रवार तक रोजाना दोपहर 2 बजे बाद लोक अदालत लगाकर पक्षकारों की सहमति से मामलों को निपटाएंगी। बड़ी खबर आ रही है, ITR दाखिल को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को कहा कि 2023-24 में अर्जित आय के लिए लगभग 6 करोड़ आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल किए गए हैं और इसमें से 70% लोगों ने नए टैक्स रिजिम के तहत ITR दाखिल किया है। और अमेरिकी चुनाव के बीच ट्रंप से फेसबुक इंस्टाग्राम पर बैन हट गया है। 2021 में पाबंदी लगी थी। मेटा ने कहा कि सभी को प्रचार का मौका मिले, यानी फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे हुए बैन को हटा दिया। कोचिंग संस्थानों पर सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा कि सख्त कानून की जरूरत है। भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा दिया। श्रीलंकाई बैटर्स ने मैच 3 रन का टारगेट दिया था। भारतीय टीम ने T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंकाई टीम ने सुपर ओवर में मैच 3 रन का टारगेट दिया था, जिसे सूर्य कुमार ने पहली बॉल पर चौका मारकर हासिल कर लिया। वहीं देखिए, एक बड़ी काम की खबर सामने आ रही है, वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मंजूरी दी गई है। डायबिटीज के इलाज के लिए बना था, साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जिंदगी भर लेना पड़ेगा। भारत सरकार ने भी हाल ही में एक ऐसे इंजेक्शन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है जिसे वजन घटाने में कारगर बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये मोटापा घटाने के ऑपरेशन यानी बेरियाट्रिक सर्जरी का बेहतर विकल्प हो सकता है। इस इंजेक्शन का नाम माउनजारो है और इसे अमेरिकी कंपनी इलाई लिली ने बनाया है। इसमें इस्तेमाल हुई दवा का नाम टिर्जेपेटाइड है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है और एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये बेहतर हफ्तों में मोटापे को 20.9% तक कम कर सकता है। और मनु सरबजोत को पिस्टल शूटिंग मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मिला है। पेरिस ओलंपिक में मंगलवार को भारत को 2रा मेडल मिला। शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट का ब्रॉन्ज जीत लिया है। भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में, वहीं भजन तीरंदाजी के राउंड 16 में है। और केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा अपडेट दिया, कार्टूनिस्टों को अभिव्यक्ति की आजादी है। कार्टून से तिरंगे में केसरिया की जगह काला रंग दिखाया, झंडे के अपमान का मामला फिलहाल खारिज हो गया। केरल हाईकोर्ट का कहना है कि कार्टूनिस्ट प्रेस और मीडिया का ही जरूरी हिस्सा है और इस नाते भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) उन्हें भी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। और ये टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अंतर्गत दर्ज केस को खारिज कर दिया है। दरअसल हुआ क्या था कि मलयाला मनोरमा ने 70वें स्वतंत्रता दिवस पर महात्मा गांधी और भारतीय ध्वज का कार्टून पब्लिश किया था, जिसमें केसरिया भाग के ऊपरी हिस्से को काली लाइन से दिखाया गया था और इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज हुई, जिस पर केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कहा कि कार्टूनिस्टों को अभिव्यक्ति की आजादी है। और झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डिरेल मालगाड़ी से टकरा गई, 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, 2 लोगों की जाने चली गई, 22 लोग घायल हो गए। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह की घटना। और NEET UG काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होने जा रही है। MCC ने एडवाइजरी जारी कर दी है, 1,10,000 MBBS सीटों पर एडमिशन मिलेगा। वहीं देखिए, भारत को 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी मिली है। करंट अफेयर्स में भी सवाल बन सकता है, 2025 में यह मेंस क्रिकेट इवेंट होगा, 2027 में यह बांग्लादेश में खेला जाएगा, यानी भारत 2025 में T20 फॉर्मेट में मेंस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ये 2026 में देश में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले खेला जाएगा। भारत को मेंस एशिया कप के इतिहास में ये दूसरी बार मेजबानी मिली है, इससे पहले 1990 में मिली थी। राहुल गांधी ने जिस चप्पल को सिला उसकी मुंह मांगी कीमत, उत्तर प्रदेश के मोची ने बताया 1 लाख रुपए का ऑफर मिला लेकिन बेचने को तैयार
नहीं है। दरअसल राहुल गांधी 26 जुलाई को यूपी के सुल्तानपुर गए थे और यहां वे रास्ते में मोची की दुकान पर रुके और चप्पल और जूते की मरम्मत की। फिलहाल इस चप्पल की मोहमांगी कीमत लग रही है, हालांकि मोची रामचेत इसे बेचने को तैयार नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने रामचेत को सिलाई मशीन भी गिफ्ट किया और उन्हें कॉल भी किया, पूछा कि सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और वैसे भी जब से राहुल गांधी रामचेत की दुकान से गए हैं उनकी लाइफ स्टाइल ही बदल गई है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 33% पोस्ट खाली 2028 तक, 1,38,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री हो जाएगी। व्हाट्सएप ने बड़ा ऐलान किया, अब मेट्रो कार्ड व्हाट्सएप से रिचार्ज कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो से जुड़ी ये खबर आ रही है। व्हाट्सएप के यूजर्स अब दिल्ली मेट्रो के कार्ड को व्हाट्सएप से ही रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक चैटबॉट सर्विस नंबर जारी किया गया है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। कितने लोगों ने कुत्तों को काटा, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि पिछले साल कुत्तों के काटने के करीब 30.5 लाख मामले सामने आए हैं और इनमें से 286 लोगों की जाने चली गई हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध हो गया। हीरो टू व्हीलर की बिक्री में 85% की तेजी, स्प्लेंडर एचएफ डीलक्स और ग्लैमर का दबदबा देखने को मिला। एक बार फिर स्प्लेंडर ने हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों की बिक्री में पहला स्थान हासिल किया है। अना और झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया कि अब सभी नॉन टैक्स पेयर को सरकार फ्री में बालू देगी यानी रेत देगी। ये घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। निःशुल्क बालू उपलब्ध कराने का ऐलान हुआ है। जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें रेत के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। अना और एनसीईआरटी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी सामने आ रहा है। स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर आई है, 9वीं, 10वीं और 11वीं के नंबर जुड़ेंगे, बनेगा 12वीं का रिपोर्ट कार्ड। यानी आने वाले समय में कक्षा 12वीं के रिजल्ट में 9वीं, 10वीं और 11वीं के नंबरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। दरअसल एनसीईआरटी की इकाई परख प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण ने शिक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें 9वीं, 10वीं और 11वीं के नंबरों को 12वीं कक्षा के रिपोर्ट कार्ड में जोड़ने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं की परीक्षाओं में जो विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन करते हैं और निरंतर कक्षाओं में रहते हैं तो इसका फायदा उन्हें 12वीं के रिजल्ट में मिलना चाहिए। वहीं देखिए बड़ी खबर है, हमले के लिए पूरी तरह तैयार, इजराइल की धमकी पर बोला हिजबुल्ला, सीमा में घुसने की कोशिश। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। हिजबुल्ला ने कहा कि वो इजराइल की धमकियों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर मनोरंजन टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। और भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, 3 कलवारी क्लास पनडुब्बियां बनेगी। समुद्र के अंदर भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के फैसले को बरकरार रखा है, घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। डेवलपर को घर खरीदारों द्वारा उनके फ्लैट पर देरी से कब्जा दिए जाने के लिए भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ताओं अपीलकर्ताओं द्वारा जमा की गई पूरी राशि वापस करने के आयोग द्वारा दिए गए निर्देश को बरकरार रखा जाता है। और अब एक बार में 3 राइड कर सकेंगे बुक। उबेर ने भारत में नई सर्विस लॉन्च की है। यूजर इस फीचर का यूज करके ड्राइवर को सीधे ही केस या फिर ऐप के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। कौन करंट राइड फीचर, इस फीचर में जब भी यूजर अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के लिए राइड बुक करेंगे तो उस राइड डिटेल की जानकारी यूजर को टेक्स्ट मैसेज के अलावा व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा कंपनी पिछले साल दिसंबर में यूजर्स के लिए राउंड ट्रिप फीचर को भी रोल आउट किया गया था। लंबी यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए फीचर लाया गया था और इस फीचर में यूजर एक ही कार या ड्राइवर को 5 दिन के लिए राउंड ट्रिप के लिए बुक कर सकते हैं। उबर के नए फीचर की वजह से ओला की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि जहां उबर में यूजर एक बार में 3 राइड बुक कर सकते हैं वहीं ओला में हालिया समय में यूजर एक बार में 2 राइड ही बुक कर सकते हैं। और देखिए बड़ी खबर आ रही, बिहार को लेकर अब दाखिल खारिज आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे कर्मचारी, सॉफ्टवेयर में सिस्टम में बदलाव हुआ है। बिहार में अब कर्मचारी आसानी से दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, नए दिशा निर्देश जारी हो गए। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के स्कूलों में अब बच्चों को धारा 370 से हटाने वाले दिन 5 अगस्त को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के नाम से पढ़ाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा पैसे नहीं ले सकते बार काउंसिल, वकीलों के एनरोलमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चाय की पत्ती से जुड़ी खबर आ रही है, अलर्ट करने वाली है। यूपी से जुड़ी खबर आ रही है, लखनऊ के उदयगंज में चाय की पत्ती के नमूनों की जाँच की गयी तो चाय की पत्ती में अशुद्ध लोह कण मिले। चाय की पत्ती में चुंबक डाली गयी तो उसमें लोह कण चिपक गए। अफसरों ने तत्काल उसका पूरा स्टॉक नष्ट करते हुए नोटिस जारी किया है। इसके अलावा एक और दुकान पर जांच की गई तो चाय की पत्ती में रंग भी मिला हुआ मिला। अना और पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से अधीर रंजन का इस्तीफा, बहरामपुर से लोकसभा चुनाव हार गए थे, ममता बनर्जी के विरोधी रहे। खबर है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। अना और तालिबान ने 14 देशों में अफगानी दूतावास अमान्य घोषित किए हैं, ये पिछली सरकार में खोले गए थे। यहां से जारी पासपोर्ट वीजा अवैध होंगे। तालिबान ने 14 देशों में मौजूद अफगानिस्तान के दूतावासों को अमान्य घोषित कर दिया। इनमें ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। सिंगापुर में 16 तरह के कीड़ों को खाने की इजाजत दी गई है। इसमें झिंगूर, टिड्डे, ग्रह
क्रैब, मधुमक्खी की एक प्रजाति और अनाज में पैदा होने वाले कीड़े शामिल हैं। दरअसल कई साउथ ईस्ट एशियाई देशों में पहले से ही कीड़े स्ट्रीट फूड का हिस्सा रहे हैं, लेकिन सिंगापुर में हाइजीन और स्वास्थ्य को देखते हुए कीड़ों को खाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि अब यहाँ फूड पॉलिसी बदल दी गई है। सिंगापुर की फूड एजेंसी ने आदेश दिया कि खाने के लिए पास किए गए कीड़ों को एक्सपर्ट की देखरेख में ही पाला जाएगा, इन्हें जंगली पर्यावरण से नहीं लाया जाएगा। और पीएम सूर्य घर योजना में हर घर को 75,000 रुपए मिलेंगे। मोदी ने कहा कि ये योजना रिवॉल्यूशन लाएगी, हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। 30,000 कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस की सुनवाई, डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए 24 अगस्त को लिस्ट, 13 मई को गिरफ्तार हुए थे विवेक कुमार। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अब उम्र कैद बिल पास हो गया है, दोषी पर जुर्माना भी बढ़ाया गया है, कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकेगा। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, कारखानों में अब 12 घंटे तक काम करेंगे श्रमिक। श्रम मंत्री ने कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कारखाना मालिक निर्धारित मजदूरी पर एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम करा सकेंगे। यानी वर्तमान में किसी भी कारखाना में श्रमिक से प्रतिदिन निर्धारित मजदूरी पर अधिकतम 9 घंटे काम कराया जा सकता है। कानून में संशोधन हो जाने के बाद अब श्रमिक से कारखानों में 12 घंटे काम कराया जा सकेगा, इसमें विश्राम के घंटे भी शामिल होंगे, लेकिन श्रमिक से एक सप्ताह में अधिकतम से अधिकतम 48 घंटे ही काम कराया जा सकेगा। इससे अधिक अवधि तक काम कराने पर श्रमिक को साधारण दर से डबल दर से मजदूरी देनी पड़ेगी। महिला श्रमिकों से भी कारखानों में रात्रि पाली में कार्य कराया जा सकेगा, लेकिन उससे पहले महिला श्रमिकों की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है, 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलता रहेगा सिलेंडर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख का बीमा, दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आरबीआई का मास्टर प्लान देखिए, विलफुल डिफॉल्टर के लिए फरमान जारी किया गया है। विलफुल डिफॉल्टर का अर्थ होता है कि एक ऐसा कर्जदार या गारंटर जिसने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया है और उसकी बकाया राशि 25 लाख रुपए से अधिक है। अब आरबीआई ने ऐसे विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए हैं। 25 लाख रुपए से अधिक के एनपीए खातों में जानबूझकर चूक हुई, इसकी जांच की जाएगी, आरबीआई का बैंकों को निर्देश जारी हुआ है। और इंडियन ऑयल को पहली तिमाही में 2643 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर 81% कम हुआ। निवेशकों को हर घंटे 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, तबाही मचा रहा शेयर बाजार। दरअसल सेबी की एक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक 90% डील घाटे में रहे। सेबी ने मंगलवार को एक परामर्श पत्र जारी किया जिसमें इस गतिविधि को सीमित करने के तरीके सुझाए गए। मंगलवार को जानकारी आई कि शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में शिरकत करने से देश के परिवारों को हर रोज 6,84,00,000 रुपए यानी हर साल 60,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब म्यूचुअल फंड में गड़बड़ी नहीं होगी, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 1 नवंबर से सख्त नियम लागू होने वाले हैं। ये नियम उन कर्मचारियों के लिए होंगे जिनके पास संवेदनशील जानकारियां होंगी। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की जानकारी में आपको बताएं, सेंसेक्स 99 अंक की तेजी के साथ 81,455 पर बंद हुआ, निफ्टी भी 21 अंक चढ़ा। सेबी ने विशाल मेगा मार्ट सहित 4 कंपनियों के DRHP वापस किए हैं। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी ने 4 कंपनियों के IPO लाने के लिए दाखिल किए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP को वापस कर दिया है। सेबी ने 24 जुलाई 2024 तक नियमों का पालन न करने के कारण इन चारों कंपनियों के DRHP को वापस किया है। CRPF के 3,25,000 जवानों अफसरों के DA में बढ़ोतरी हुई है, HRA में भी आर्थिक फायदा मिलेगा। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF में 3,25,000 जवानों अधिकारियों को आर्थिक फायदा मिलेगा। Realme 13 Pro सीरीज 26,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। पंजाब में ट्रेन में बम की सूचना देने वाला गिरफ्तार, जम्मू तवी एक्सप्रेस में सर्च में कुछ नहीं मिला, 7 घंटे बाद ट्रेन अहमदाबाद रवाना हुई। राव कोचिंग हादसे के बाद बड़ी खबर, NHRC ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार, पुलिस कमिश्नर और MCD कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है। स्टूडेंट का तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। और बिना बैग के स्कूल जाएंगे कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी, 10 दिनों तक 15 तरह की एक्टिविटीज करेंगे, इनमें बर्ड वॉचिंग, रोबोटिक्स और AI भी शामिल है। देश में क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट 30 जुलाई से अगले 10 दिनों तक बिना बैग के स्कूल जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 4th एनिवर्सरी के मौके पर यह निर्देश जारी किया। वहीं देखिए, तानाशाह किम जोंग को मोटापे के कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दावा किया जा रहा है कि 140 किलो हुआ वजन। विदेश में दवाइयां ढूंढ रहे नॉर्थ कोरिया के अधिकारी। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की जीत के बाद हिंसा शुरू हो गई है, राष्ट्रपति भवन के पास भीड़ जमा हुई, अमेरिका ने कहा कि रिजल्ट में धांधली हुई। वहीं देखिए, एयर इंडिया के बाद अब विस्तारा को लेकर भी बड़ी अपडेट खबर आई है, बाहर होंगे कई एम्प्लॉयज। टाटा ग्रुप के एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के बाद वहां एम्प्लॉयज के लिए VRS योजना लाई गई। अब जब एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर होने जा रहा तो विस्तारा के एम्प्लॉयज के लिए भी VRS योजना लाई गई है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने खजाना खोला, 7 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। CBSE स्कूली बच्चों के लिए कराएगा स्किल एक्सपो, पटना में 16 अक्टूबर को आयोजन होगा, भविष्य में नौकरी मिलने में आसानी होगी। वहीं बिहार से जुड़ी खबर है, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का राज्य सरकार निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएगी। राजस्थान से जुड़ी खबर है, आपातकाल में जेल जाने वालों की पेंशन अब नहीं रुकेगी, सरकार
सरकार ने विधानसभा में बिल पेश किया है, माफी मांगने वालों को नहीं मिलेगी सुविधा। वहीं राजस्थान के नाथद्वारा में 37 दिन में बनी एक बिल्डिंग गिर गई, 4 लोगों की जान जाने की खबर है, 9 घायल हो गए। एक सामुदायिक भवन की छत गिरने से 4 ग्रामीणों की दबने से जान चली गई। और देखिए, बिहार सरकार की फर्जी वेबसाइट बनाई, 1185 पदों पर वैकेंसी भी निकाल दी, 40 शहरों में परीक्षा तक कराई, लेकिन एक जगह सर्वर डाउन होने पर यह पूरा खेल ओपन हो गया। आप भी फर्जी परीक्षाओं को लेकर सावधान रहें, फेक जॉब नोटिस को लेकर भी अलर्ट रहें, ऑफिशियल वेबसाइट को देखकर ही आवेदन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे यूपी के पेंशनर्स, बुधवार को धरने पर बैठेंगे, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग हो रही है। पंजाब में पंचायत चुनाव की तैयारी, राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किए, पंचों सरपंचों के पद रिजर्व करने को कहा गया। दिल्ली की घटना के बाद यूपी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, अवैध तरीके से बने बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। चैट जीपीटी का आपने भी नाम सुना होगा और कई दोस्त और मित्र जो है वो इसका इस्तेमाल भी जरूर करते होंगे ऑफिस के कामों में कुछ जानकारियां हासिल करने में। वैसे आपको बता दें, डायग्राम और पीडीएफ तक भी एआई चैटबॉट तैयार कर देता है। चैट जीपीटी के एडवांस फीचर्स का आप भी इस्तेमाल कीजिए, अपने डेली के काम को आसान बनाइए। iOS 18 पब्लिक बीटा 2 रोल आउट हो गया, अपडेट को डेवलपर बीटा 4 के तुरंत बाद लाया गया। यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। वहीं यूपी में पास हुआ पेपर लीक बिल, आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, माध्यमिक शिक्षकों के उच्च पदभार के लिए अब बीएड अनिवार्य, बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित होंगे। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के भरतपुर और बीकानेर के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। भरतपुर और बीकानेर में अब विकास प्राधिकरण बनेंगे। जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल के 4000 पदों के लिए अब आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू की जाएगी। उड़ीसा में बनेगी दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, एनटीसीए से मंजूरी मिल गई है। महंगा पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस कराना भी, इरडा की नई रेगुलेशन ग्राहकों के दर्द की वजह बन रही है। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना महंगा हो जाएगा, दरअसल न्यू इंडिया इंश्योरेंस अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीमों के प्रीमियम बढ़ाने जा रही है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 1 नवंबर 2024 से नो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर प्रीमियम 10% बढ़ाएगी, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। तेलंगाना से जुड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अपनी सरकार की महत्वपूर्ण योजना फसल ऋण माफी का दूसरा चरण लॉन्च कर दिया है, जिसमें 6,40,000 किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। दूसरे चरण में 1.5 लाख रुपए तक के लोन माफ किए जाएंगे। 18 जुलाई को पहले चरण में 1 लाख रुपए तक के कर्जदार किसानों के लोन माफ किए गए थे, अब दूसरे चरण में 1.5 लाख रुपए तक के सारे कर्ज माफ किए जा रहे हैं। मौसम और मानसून से जुड़ी खबरें भी चल रही है वेदर अपडेट में, राजस्थान में धीमा हुआ बारिश का दौर, पारा 40 डिग्री तक देखने को मिला, कई इलाकों में मौसम साफ देखने को मिला, धूप भी निकली है। हिमाचल के कुल्लू में सोमवार मंगलवार देर रात बादल फट गया, कई इलाकों में तेज बरसात, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में हेवी रेन का येलो अलर्ट, अगले 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बरसात देखने को मिल सकती है। वेदर अपडेट यूपी को लेकर, फिर से 40 डिग्री पहुंचा पारा, आज से मौसम बदलने के आसार है, कई इलाकों में बारिश की आज उम्मीद है। वहीं चाइना से जुड़ी खबर आ रही है, तूफान गेमी से चीन में तबाही देखने को मिली है, अब तक 22 लोगों की जाने चली गई, 11,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया। यूपी से जुड़ी खबर है, हर जिले में तैनात होंगे जिला पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग में अब 2 निदेशक तैनात होंगे, कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव मंजूर किया है। वहीं वाराणसी में बगैर मान्यता चलने वाले 11 स्कूलों में ताला सील, बीएसएनए स्कूल संचालकों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, नोटिस देकर एफआईआर की चेतावनी दी गई। अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव, सोने चांदी की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 120 रुपए गिरकर 68,680 रुपए पर आया, वहीं 1 किलो चांदी 842 रुपए फिसलकर 81,350 रुपए प्रति किलो में बिकी। और अब बात करते हैं आज 31 जुलाई का राशिफल कैसा रहेगा। आज 31 जुलाई बुधवार के ग्रह नक्षत्र ध्रुव और शुभ योग बना रहे हैं, जिससे कर्क राशि के लोगों को बिजनेस में मेहनत के मनचाहे रिजल्ट मिल सकते हैं, नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ और नई उपलब्धियां मिलने की संभावना है। धनु राशि वालों के बिजनेस के कामों में सुधार होगा। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर देखने को मिलेगी। कुंभ राशि के लोगों को धन लाभ के योग है, बड़ा फायदा भी हो सकता है। इसके अलावा वृष राशि के नौकरी पैसा लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। मिथुन राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा और जो बाकी राशियां हैं उन पर सितारों का मिला जुला असर दिखाई देगा। ना तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए, अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स रोज मिलते रहेंगे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।